हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे रागी का रोटी। रागी खाने के लिए टेस्टी रहते हैं और सेहत के लिए फायदेमंद रहते हैं, और डाइट करने वाले लोगों के लिए तो ये तो एकदम बेस्ट है। चलो अब हम शुरू करते कैसे बनाते रागी का रोटी देखेंगे। इसे बनाने के लिए हमें पहले 1 कप रागी का आटा लेंगे, उसमें 2 स्पून गेहूं का आटा डालेंगे। अभी 1 कप आटा के लिए 1 कप पानी गर्म करने के लिए रखेंगे, उसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, 1/2 स्पून जीरा डालेंगे, जीरा टेस्टी के लिए डालेंगे, और थोड़ा सा बॉईल होने के बाद थोड़ा सा हाथ से रागी का आटा ऐसे ही डाल दीजिए, क्योंकि हम लोग आटा डालेंगे तो वो गांठ नहीं बनता। और वो पानी उबल आने के बाद उसमें धीरे धीरे रागी का आटा डालते जाएंगे, थोड़ा डालने का फिर मिक्स करने का। ऐसे होने के बाद सभी आटा डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करके उसको एक ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और 5 मिनट के बाद उसको एक बर्तन में निकालेंगे और उसको 2-3 मिनट छोड़ दीजिए, वो ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद हाथ को थोड़ा सा गीला करके उसको अच्छी तरह मलना चाहिए। मलने के बाद उसको आपको कैसे रोटी चाहिए वैसे साइज का गोले बना के रख लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे रोटी जो है ना कैसे फूलते हैं, उसका ट्रिक देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप जरूर देखिए। रागी का हम लोग अलग अलग वैरायटी बना सकते हैं। मैंने पहले भी एक रागी का लड्डू बनाया, आप देख लीजिए, वो तो बच्चों के लिए एकदम बेस्ट है, वो एकदम टेस्टी भी बनता है। रागी को हिंदी में मंडुआ बोलते हैं और मराठी में नाचनी बोलते हैं, कन्नड़ में रागी बोलते हैं। अभी आटे का गोला लीजिए, उसको हाथ से अच्छी तरह गोल कर लीजिए, बाद में उसको थोड़ा सा आटा लगा के हाथ से तपतपाइए। थोड़ा सा बड़े होने के बाद उसको बेलन से लाटिए। आपका कितना साइज चाहिए उतना बड़ा कीजिए। गैस को धीमी आंच पे रख के रोटी को सेकने के लिए तवे पे डाल दीजिए, आंच धीमी रहने दीजिए। थोड़ी देर के बाद गीला कपड़ा लेके रोटी को धीरे धीरे पानी लगा दीजिए, ज़्यादा मत लगा दीजिए, थोड़ा सा ही लगा दीजिए। ये लगाना जरूरी है, क्योंकि ये लगा दिया तो रोटी नरम बनता है, कड़क नहीं बनता और फूलते भी है। इसके लिए इसको पानी लगाना जरूरी है। पानी लगा के 2 मिनट सेक लीजिए उसको। और बाद में उसको टर्न करके डालने के बाद आंच को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा सेकने के बाद साइड से उसको थोड़ा सा कपड़े से दबा दीजिए, ज़्यादा मत दबा दीजिए, थोड़ा सा ही दबा दीजिए। अभी देखिए वो कैसे फूलता है देख लीजिए, फिर उसको टर्न करके डाल दीजिए।
थी कि अभी रोटी फूल रहे। ऐसे फूलेंगे तो नरम भी बनता है और टेस्ट भी लगता है। इसी तरह से आप बाकी का आटा का भी रोटी बना लीजिए। कम से कम एक कप आटे में 8 रोटी तो बन जाएगा। रागी सेहत के लिए अच्छा है। इसे रोजाना खाने से आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहते हैं और कोलेस्ट्रॉल कम होता है और इसमें ना कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में आपको मिलता है। ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए, कैसे बना वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ये रेसिपी आपका फैमिली और दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरी नया रेसिपी आपको पहले मिले। रागी का रोटी घी के साथ, चटनी और दही के साथ भी खा सकते हैं। कोई भी स्प्राउट्स का सब्जी और सलाद के साथ में भी खा सकते हैं। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।